पेयजल और साफ सफाई की व्यवस्था की मांग को लेकर सोनिया गांधी नगर खुर्सीपार के पार्षद पीयूष मिश्रा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा निगम के जोन 4 कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान महिलाएं धरना देकर जमीन पर बैठ गई। लगातार नारेबाजी और हो रहे प्रदर्शन के दौरान जोन 4 के आयुक्त अमिताभ शर्मा प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे। पार्षद पीयूष मिश्रा और जोन आयुक्त के बीच पेयजल सप्लाई और सफाई को लेकर काफी समय तक चर्चा भी हुई। पेयजल सप्लाई में निरंतरता रखने और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने जोन आयुक्त ने पार्षद को आश्वस्त किया। महिलाओं ने अपनी समस्याएं कुछ इस प्रकार से न्यूज टीम के समक्ष बताई। पानी का समस्या चल रहा है, बीमारी चल रही है, हमको घर घर नल चाहिए क्योंकि पानी नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या पियेंगे, क्या धोएंगे, क्या नहाएंगे। हम लोग मेन समस्या हम लोग का यही बात की कुछ नहीं है। कब से ये समस्या? अभी गर्मी में? हाँ, पूरा गर्मी वाला ही समस्या है। 12 महीना रहता है भैया, 12 महीना चलता है। फिर इसका समस्या हल भी तो होना चाहिए ना कुछ। एक बोरिंग में 10 जन भरते हैं, पाइप लाइन में दिए हैं, वो पाइप लाइन में पानी। अभी तक की हमारी पानी की समस्या का समाधान नहीं निकला है। कहीं हम लोग दूर दूर बोरिंग से लाते हैं, कहीं से लाते हैं, वो एक ठो पाइप लाइन बोर से बिछा है, उसमें भी पानी नहीं आता। दिन भर बैठे रहते, पानी नहीं मिलता है हम लोग। अरे पानी का समस्या, पानी ही मांगने के लिए यहाँ आए हैं, नहीं तो हम लोग ना फिर उन्हीं के घर के सामने जा कपड़ा धोएंगे, नहाएंगे, सब करेंगे। पीयूष मिश्रा जी के साथ आप लोग आए हैं? हाँ, पीयूष भैया के साथ आए हैं। समस्या सुना आप लोगों ने, बताया है हमको, बताया। हाँ, 8-10 दिन के अगर नहीं देंगे ना हमको पानी, तो फिर हम लोग उन्हीं घर के सामने जाके वो करें।